क्या विराट ने सच में बांग्लादेश के खिलाफ चीटिंग की और क्यों बांग्लादेश लगा रही है विराट कोहली पर फेक फील्डिंग का आरोप। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ T20 मुकाबले को टीम इंडिया ने 5 रन से अपने नाम किया था, लेकिन उस मैच में विराट कोहली की फेक फील्डिंग चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल मैच के बाद बांग्लादेशी प्लेयर नूरुल हसन ने विराट कोहली पर मैच के दौरान फेक फील्डिंग का बड़ा आरोप लगाया है। इसका एक वीडियो भी आपने देखा होगा जिसमें विराट अपने हाथ में गेंद नहीं होने के बाद भी थ्रो करने की एक्टिंग कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद इस मुद्दे पर जमकर बवाल मच रहा है। मामला सातवें ओवर का है जब अक्षर पटेल की गेंद पर लिटन दास ने डीप पॉइंट पर शॉट खेला, वहां अर्शदीप सिंह ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। इस बीच बल्लेबाज दूसरे रन के लिए भाग चुके थे। विराट पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे थे, जब गेंद उनके पास से गुजरी तो उन्होंने नॉन स्ट्राइकर की तरफ थ्रो करने की एक्टिंग की। क्या होती है फेक फील्डिंग? ICC के फेक फील्डिंग नियम के अनुसार कोई भी फील्डर अगर जानबूझकर किसी भी बल्लेबाज को विचलित या बाधित करने का प्रयास करता है तो ये अनुचित है, और अगर ऐसा होता है तो अंपायर को ये तय करना होता है कि क्या फील्डर ने ये जानबूझकर किया और क्या इससे बल्लेबाज डिस्ट्रैक्ट हुआ है। और अगर इसमें फील्डर दोषी होता है और अंपायर को भी लगता है तो वह तुरंत कॉल करेगा और गेंद को डेड घोषित करेगा या फिर बल्लेबाजी टीम को पेनल्टी के 5 रन मिलेंगे। लेकिन विराट कोहली वाले मुद्दे में आप वीडियो में देख सकते हो कि इससे कोई बल्लेबाज डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ है और न ही अंपायर ने ये देखा है, तो विराट पर लगा ये आरोप बिल्कुल सही नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक कैच छूटने के कारण विराट को टारगेट किया था। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या विराट कोहली ने फेक फील्डिंग की या नहीं, कॉमेंट में ज़रूर बताइए। और क्रिकेट से जुड़ी रोज ऐसी नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।